वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा की दुनिया। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज है 7 मार्च और अभी टाइम हो गया है 2 बज गए, टाइम हो गए हैं, और आज हम लोग को निकलना है अपने घर, यानी कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। जा इसलिए रही हूँ क्योंकि त्यौहार है होली का कल, तो सबको पूरे परिवार के साथ हम लोग मनाएंगे, इसलिए आज हम लोग जाने वाले हैं घर के लिए। निकलेंगे शाम को क्योंकि इनका सब चल रहा है, तो ये सुबह 4 ही बजे चले गए थे, तो अभी शाम को 4 बजे आएंगे, और जैसे आएंगे वैसे ही मतलब हम लोग फटाफट कोई निकल जाएंगे। इसलिए पैकिंग वैकिंग मुझे सब करना है, और सारा काम जितना था वो सब मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है सुबह उठ के। बस रह गया है खाना, हम लोग को दोनों को खाना रह गया है और पैकिंग रह गया, बस ये 2 चीज़ें रह गई हैं। बाकी मैंने उठ के सारा काम कंप्लीट कर लिया था, और अभी जस्ट नहा के हम दोनों लोग आए हैं, तो बस जाऊँगी अपनी बेटी को खिलाऊँगी, मैं खाऊँगी, उसके बाद पैकिंग करेंगे हम दोनों लोग माँ बेटी मिल के, और उसके 3-4 बजे जाएगा, और उसके बाद फिर ये आ जाएंगे, तो फिर ये खाना खाएंगे और जो कुछ किचन का काम रह जाएगा वो कंप्लीट करूँगी, और फिर हम सब कोई लोग निकल जाएंगे। पैकिंग थोड़ा ज़्यादा ही करना है मुझे, इसलिए क्योंकि मुझे 2 जगह की पैकिंग करनी है, अपने मायके और ससुराल दोनों के हिसाब से मुझे पैकिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि मतलब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है, बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहती, जैसे जो मेरी कुछ जरूरत की चीज़ें हैं और इसकी बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें मुझे पैकिंग करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा में, क्योंकि जैसे ससुराल में क्या है कि मैं साड़ी ही कैरी करती हूँ वहाँ पे, और मायके में मैं सूट यही कैरी करती हूँ वहाँ पे, तो मुझे उस हिसाब से अपने पैकिंग करनी है। और होता क्या, एक्सेसरीज भी होगी तो उस हिसाब से भी रखना पड़ता है, क्योंकि ससुराल में मैं जैसे साड़ी होगी, आप लोगों ने देखा होगा मेरा पहले का भी वीडियो, ससुराल में साड़ी रहो प्रॉपर मतलब पूरा तैयार होके ही रहती हूँ वहाँ पे, जबकि मायके में मैं ऐसे ही रहती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अभी हूँ वैसे मैं अपने मायके में भी रहती हूँ, और दोनों जगह के हिसाब से मुझे अपना पैकिंग करना है। तो बस अभी जस्ट जाएंगे, खाना पीना खाएंगे और उसके बाद पैकिंग में लग जाएंगे। आप लोग से ब्लॉग में बने रहिए। और अभी की मैं बात करूँ तो अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ, अपने चेहरे पे मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है। तो मेकअप की मैं बात करूँगा तो मैंने मेकअप का कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगाया है, सिवाय अपना स्किन केयर रूटीन ही किया, जो मैं जैसा मैं करती हूँ अपना मॉर्निंग और नाइट दोनों में, स्किन केयर रूटीन मेरा क्या है मॉर्निंग और नाइट का, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक डाल दूँगी। तो चलते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, खुद खाते हैं और उसके बाद पैकिंग करते हैं। खाना मम्मा निकाल दे, खाओगे? खाना खाओगे? खाओगे? कुछ दाल गरम कर ले, कुछ खाना ठीक है? क्या खाओगे? क्या खाने हैं? तो बस अभी टाइम 5 बज चुके हैं, मतलब 5 बजने वाले हैं, हम लोग सब रेडी हो चुके हैं और सारा सामान यहाँ पे हो गया, और सामान रखने गए हैं कार में, और बस हम निकलने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है क्योंकि मेरी पैकिंग हो नहीं पाई थी, आ भी गए थे ऑफिस से बट मेरी पैकिंग नहीं हो पाई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं सब खा के सुला दूँगी, बट ये सो ही नहीं रही थी, बस खेलने लगी हुई थी इधर उधर, और अपने पापा का इंतज़ार भी कर रही थी। अब तो बच्चे रहते ना जगते हैं तो फिर काम हो ही नहीं पाता, मतलब टाइम पर काम तो नहीं हो सकता, काम होगा बट टाइम पर काम ख़त्म नहीं होता है। तो बस अब बस निकलने वाले हैं फटाफट से, काफ़ी लेट हो चुका है और मौसम भी हो गया है, लग रहा है बारिश वाला मौसम हो गया है। बिटू कुछ कहना है? कार कार कहाँ है कार? बाकी की बातें रास्ते में करूँगी मैं, और बस चलती हूँ। ओके, कहाँ चले गए थे पापा? कहाँ गए थे पापा? इतना टाइम लगता आने में पापा, नीचे से ऊपर में बैठ पापा। हुँ। हुँ।
गणपति बप्पा मोरिया। जय कर दो, कर दो जय, जय कर दो जय। नहीं करोगे जय? क्या चाहिए? ऊपर ये चाहिए बाबू को देंगे। क्या हो गया? पानी परेशान कर रहे हैं। आज ही के दिन बारिश होना था, वो भी जब जाते हैं तभी मोस्टली। पिछले याद है ना रक्षाबंधन पे भी कितना था, आगे पीछे नहीं, जब टाइम निकले थे उसी टाइम ही बहुत ज्यादा पानी। और आज फिर से इतने दिन से नहीं हुआ, आज ही के दिन जब हम लोग जाने थे। पिछली बार राखी पे गए थे, बारिश इतना ज्यादा हो रहा था कि कई जगह गड्ढा था, दिखा नहीं, पता नहीं चला। और गाड़ी का नीचे का क्या था, खड़ा हुआ था, मेट गार्ड टूटा था। मेट गार्ड बहुत बुरा तरह से पूरा, मतलब पूरा फेंका गया था निकल, कितना ज्यादा। और आज फिर अब देखो भगवान भरोसे सब अच्छा रहे। नहीं बोल लग गए, कुछ बोल दो, कुछ बोलो ना मम्मा। इसका दिमाग हो गया पापा पे कि इसके पापा गए कहाँ। बारह उधरी नजर घुमा हुआ देख रही कहाँ गए इसके पापा। सब पाँच बज गया, हम लोग निकल गए हैं, यहाँ भी गेट पे रुके हुए हैं। वहीं इसका डायपर खत्म हो गया हुआ है तो वही गया इसका लेने के लिए, क्योंकि आज जाओगे दादी पास, बाबा पास। आज आपको मिलेंगे ना दादी बाबा आपके, इतने दिन से बोली दादी बाबा कर रही हो। आज मुलाकात होगा आपकी दादी से, बाबा से, उज्जू भैया से, है ना, मिलोगे ना अपने भैया से। आज पूरा दिन बीत गया इसका, सोई नहीं है, 8 बजे का उठी है उसके बावजूद कहीं भी इसके जरा भी आँख में इसकी नींद नहीं है। पता नहीं इसकी नींद को क्या हो गया है, इतना इसका मतलब उठपटांग हो गया टाइम इसका सोने का जगने का। अब पूरा दिन भर से अब जगी हुई है, सुबह से उठी तो सुबह दिन भर से जगी हुई है, अब सोएगी तो सोएगी कितना, 6-7 बजे सोएगी, या फिर तो अभी कार में सो जाएगी, या तो फिर शाम को 6-7 बजे तक सोएगी, घंटा नींद पूरा करते फिर पूरा रात भर इसका हो जाएगा। मिल गया दो ही थोड़ा था बस, काम चला बाकी बैठा जाएगा। चलो बस तो निकलते हैं हम लोग, काम चलाओ, मिल गए है ना जी। इसकी नजर उसे बनी हुई है, इस पे बार बार चाहिए चाहिए यही बोल रहा है। अरे पापा पीटी करेंगे तो इधर से चले ना शॉर्टकट वाला। मुझे आइडिया नहीं है रास्ते का, तो आप ही आपको बस गाड़ी डैमेज नहीं होनी चाहिए, कार कुछ नहीं होनी चाहिए। तुमने लिया हुआ है ना काम पर, जो खाएगी बाकी वहाँ पे। अब होली बाजार इतना कुछ बनेगा तो फिर वहाँ पे उतरेगा खाने के लिए, केला थोड़ी खाते बैठ जाएगी। पापा फिर चले गए, कदू ये जाते ही रहते हैं पापा, है ना। अभी एटीएम चले गए पैसे निकालने। चले 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 चले, ये क्या कर रहे हो बिट्टू, ये क्या कर रहे हो? चाहिए चाहिए, वो नहीं मिलेगा, नहीं चाहिए। अब उसको लेके तहां गिरा तो दोगे अभी फट से, और फिर बोलोगे कि फिर गिर गया करोगे, बिल्कुल नहीं मिलेगा लल्ला। क्या नीचे? चाहिए नहीं मिलेगा, नहीं मानोगे, क्या करना है? We'll be right back.
डांस करो, इधर आके डांस करो बिटू। सो हम लोग घर पहुंच गए हैं और काफ़ी रात हो गई अब तो, मतलब हम लोग पहुंचे थे 6:15 के आसपास और अभी टाइम 9:30 के आसपास हो रहा है और खाना पीना हम सबका हो चुका है। बस हाँ सबका ही हो चुका है, लगभग लगभग हम सबका हो गया। पापा भी खा ही रहे हैं, बाकी हम सब खाना पीना हो चुका है और इनको सोना भी है क्योंकि इनका नाइट शिफ्ट ड्यूटी है। तो अभी थोड़ा बाहर गए हैं और उसके बाद भी आएंगे तो सो जाएंगे। और ये खा चुकी हैं, हम भी खा चुके हैं, बट देखो अब कब सोती हैं, मेरी प्रिंसेस सोती कब हैं। और हालांकि मैंने सब चेंज कर दिया है ड्रेस ताकि ये कंफर्टेबल रहे, मैं अपना चेंज नहीं करने वाली, यही मैं पहने पहने से ही मैं सो जाऊँगी। ऐसे ही नॉर्मली है तो गड़ने वाला साड़ी है नहीं, तो फिर मैं इसको नहीं चेंज करूँगी, मैं यही पहने पहने सो जाऊँगी। और बाकी सब कोई अपने अपने रूम में हो गए हैं, घर गांव में बहुत जल्दी खाना पीना हो जाता है, जैसा कि 7-8 बजे तक में खाना पीना सबका हो जाता है। शहर में होता है तो मतलब कि लेट लपाट लोग खाते पीते हैं, अगर गाँव की बात करें तो वहाँ पर बहुत जल्दी होता है खाना पीना बनेगा, खाना पीना होकर सभी अपने अपने रूम में, फिर आपको सोना है सो, जगना है जगना, खुद देखना है तो जो करना है। क्या पीना है, क्या पीना? बाकी जब आई थी तो मतलब अपना सारा सामान भी जो था वो सब मैंने जमा लिया है सैटरडे तक के लिए, क्योंकि सैटरडे को फिर हम लोग निकल जाएंगे, अपने मायके में निकल जाऊंगी। और बात करूं बाकी मैंने फैमिली मेम्बर को क्यों नहीं दिखाया, आ गए बाकी मैंने फैमिली मेम्बर को नहीं दिखाया तो इसलिए मुझे थोड़ा मतलब मेरे पापा को तो मैंने नहीं दिखाया थोड़ा, क्योंकि उनको पता भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ और थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि उनके सामने में कैमरा उठा के आऊँ और मैं कैमरा उठा के दिखाने लगूँ। और बाकी मैं बात करूँ अपनी देवराज खान से बात करूँ तो उनसे नहीं दिखाया क्योंकि वो कम्फर्टेबल नहीं है मेरी वीडियो बनाने के लिए, तो अच्छा नहीं लगता, किसी को परमिशन नहीं है तो उनको मैं दिखाने लगूँ, बस यही रीज़न था। क्यों नहीं तो आप लोग सोचोगे कि मैंने किसी को दिखाया क्यों नहीं, तो बस यही रीज़न था, ऐसा कुछ वो नहीं है, बस उन लोग को मतलब नहीं हो कंफर्टेबल है तो इसलिए मैं नहीं करती सूट उनको। सो बस आ गए इनके पापा और ये रहे इनके सोएंगे घर गाँव में, जल्दी सोता था जल्दी उठोगे आई थी तो किसी के पास जाने की तैयार नहीं थी, बट धीरे धीरे करते करते दादी जी को फिर दादी के पास गई। उसके बाद जब दादी घुमाने लगी इसको तब फिर दादी की फेवरेट हो गई, मतलब इसकी मतलब इसकी दादी फेवरेट हो गई। उसके बाद फिर अब अभी जस्ट आई हैं अपने बाबा के यहाँ से मिलके, वो फिर उनके साथ मस्ती करके हम बस इतना सोने का सुलाएंगे और उसके बाद हम लोग भी सो जाएंगे। तो आपके लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट डे। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय टाटा कर दो, बाय टाटा करो, बाय टाटा कर दो, गुड नाइट को।